अर्थप्रकाश के इस खास कार्यक्रम में आपका स्वागत है, जिसको हम कहते हैं ट्राई सिटी का खबरनामा। इसमें हम आपके साथ चंडीगढ़ और इसके साथ लगते हुए मोहाली, पंचकूला, जीरकपुर और आसपास के इलाकों की कुछ खास खबरें आप तक लेकर आते हैं और इसके साथ साथ पंजाब हरियाणा की खबरें भी आप तक पहुँचाते हैं। और अगर राष्ट्रीय स्तर पर हमें लगता है कि कोई ऐसी खबर है जो हमें आप तक पहुंचानी चाहिए तो वो खबर भी हम आप तक पहुंचाते हैं। आज की शुरुआत हम करते हैं एक अच्छी खबर के साथ, एक बहुत ही पॉजिटिव खबर के साथ। लंबे समय के बाद आज एक बार फिर से करतारपुर कॉरिडोर जो है वो खुलने जा रहा है। आज तो खैर नहीं, आज तो इसका ऐलान हुआ है, 17 नवम्बर से ये करतारपुर कॉरिडोर खुल जाएगा। जैसा कि आप जानते हैं कि नवंबर के महीने में 2019 में इसकी शुरुआत हुई थी, लेकिन मार्च 2020 में कोविड के चलते इस कॉरिडोर को बंद कर दिया गया था। तब से ये कॉरिडोर बंद था और जो श्रद्धालु पंजाब से या भारत से इस ऐतिहासिक गुरुद्वारे के दर्शन करने के लिए जाना चाहते थे उनके लिए रास्ते बंद हो गए थे। लेकिन हाल ही में भारतीय जनता पार्टी का पंजाब का एक डेलीगेशन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिला और उनसे इस बात की गुजारिश की कि इस कॉरिडोर को खोला जाए। अब हालात सुधर गए हैं। उसके 2 दिन बाद, अभी रविवार को ही ये डेलीगेशन मिला था, 2 दिन बाद ही आज ऐलान हो गया है और उसके बाद उम्मीद करते हैं कि अब ये कॉरिडोर खुला रहेगा। कहा जा रहा है कि पंजाब के इलेक्शंस के मद्देनज़र इस तरह का फैसला लिया गया है, लेकिन जैसे भी लिया गया है निश्चित तौर पर एक अच्छा फैसला है और इस फैसले का स्वागत होना चाहिए। पंजाब सरकार ने भी इसका स्वागत किया है। पंजाब के मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी ने आज बाकायदा एक जनसभा में इस बात को माना है और उन्होंने कहा है कि वो खुद प्रधानमंत्री से इस विषय में बात कर चुके हैं, उनसे मिल चुके हैं और बहरहाल अब जिसे खोला जा रहा है तो उन्होंने इसका स्वागत किया है। साथ ही उन्होंने एक और बड़ा ऐलान किया है कि 18 नवंबर को वो अपनी पूरी वजारत के साथ, पूरी कैबिनेट के साथ वो माथा टेकने के लिए करतारपुर साहब जाएंगे। तो इस तरह से एक बार फिर से पंजाब के लिए ये एक काफ़ी अच्छी खबर। दूसरी बड़ी खबर हम आप तक पहुंचाना चाहते हैं। आज पूर्वांचल एक्सप्रेसवे जो दिल्ली एनसीआर को उत्तर प्रदेश के पूर्वांचल इलाके से लगभग बिहार के सीमा तक का जो इलाका है उससे जोड़ने जा रहा है, उसका भी आज उद्घाटन कर दिया गया है और इसका उद्घाटन आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया है। ये पूर्वांचल एक्सप्रेस भी काफ़ी महत्वपूर्ण योजना है। काफ़ी लंबे समय से, करीब 3 साल पहले इसकी आधारशिला रखी गई थी। खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज़मगढ़ में इसकी आधारशिला रखी थी और आज उन्होंने एक स्थान है करवल खीरी जहाँ पर इसका उद्घाटन किया है। इसके बारे में बता दें कि करीब 22,469 करोड़ रुपए की लागत से ये बना है और एनसीआर को ईस्ट यूपी के साथ ये जोड़ेगा। और सबसे बड़ी खासियत ये है कि ये इतना बेहतरीन नेशनल हाईवे बनाया गया है कि इस पर प्लेन्स भी कई स्थानों पर जो है वह लैंड कर सकेंगे। आपको याद होगा कि हाल ही में भारतीय एयरफोर्स का, भारतीय वायुसेना का एक बहुत बड़ा जहाज हरक्यूलिस इस हाईवे के ऊपर उतारा गया था। अभी सुखोई विमान, जो कि लड़ाकू विमान है भारत का, वो भी इस पर लैंड किया गया है। तो एक तरह से ये भारत की सुरक्षा को पुख्ता करने की दृष्टि से भी ये एक महत्वपूर्ण हाईवे कहा जा सकता है, एक्सप्रेसवे कहा जा सकता है। और निश्चित तौर पर इस एक्सप्रेसवे के शुरू हो जाने के बाद पूर्वांचल, जो कि उत्तर प्रदेश के सबसे पिछड़े इलाकों में से एक माना जाता है, वहाँ पर विकास की गति तेज़ होगी, उद्योग वहाँ पर बढ़ेंगे और पूर्वांचल के लोग जो पंजाब में काफ़ी संख्या में रहते हैं या दिल्ली में काफ़ी संख्या में रहते हैं उनको भी आने जाने में ये काफ़ी सुविधा होगी। और जो समय पहले किसी समय इससे पहले 10 या 12 घंटे लगा करता था वो 4 या 5 घंटे में पूरा हुआ करेगा। तो ये थी हमारी 2 प्रमुख खबरें, लेकिन इसके अलावा और भी हमारे पास खबरें हैं जिनके बारे में हम चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले ले लेते हैं छोटा सा ब्रेक। ब्रेक के बाद हम बात करेंगे चंडीगढ़ में आज
जो घटनाएं हुई और जो खबरें हुई उनमें सबसे इम्पोर्टेंट है, आज राष्ट्रपति यहाँ पर थे, राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद चंडीगढ़ आए हुए थे, और इसके बारे में हम आपको पहले भी बता चुके हैं कि पंजाब इंजीनियरिंग कॉलेज अपनी स्थापना के 100 वर्ष पूरे करने जा रहा है, तो वहाँ पर कई कार्यक्रमों का आयोजन था, तो इन कार्यक्रमों में भाग लेने के लिए जो सेंटेनियल सेलिब्रेशंस चल रही हैं वहाँ पर, उनमें भाग लेने के लिए आज राष्ट्रपति यहाँ पर थे, और राष्ट्रपति ने आज करीब 11:30 के आसपास को चंडीगढ़ पहुँचे, उससे पहले उन्हें कुछ समय के लिए राजभवन में जाना था, और शाम को फिर उनका कार्यक्रम 4 बजे के बाद पंजाब इंजीनियरिंग कॉलेज में था, जहाँ पर उन्होंने एक छात्रावास का उद्घाटन किया, एक सेमीकंडक्टर लैब की उन्होंने शुरुआत की, उस तरह से कई कार्यक्रम वहाँ पर थे, उन्होंने जो गेस्ट्स आए हुए थे उनको संबोधित किया, करीब 400 के आसपास लोगों को यहाँ पर इन्वाइट किया गया था, जो कि कोविड प्रोटोकॉल को बहुत कड़ाई के साथ माना जा रहा है, सख्ती के साथ लागू किया जा रहा है, इसलिए बहुत कम लोगों को इस कार्यक्रम के लिए बुलाया गया था, जो विद्यार्थी वहाँ के हैं उनमें से भी काफ़ी कम विद्यार्थी वहाँ मौजूद थे, और बहुत ही कम जो आउटसाइडर्स थे, जो मुअज्जज़ शहरी थे, उनको वहाँ पर बुलाया गया था, और राष्ट्रपति के इस कार्यक्रम के लिए शहर में आज सुरक्षा व्यवस्था भी चाक चौबंद थी, करीब 2,500 से भी ज़्यादा पुलिस कर्मचारी आज उनकी सुरक्षा व्यवस्था के लिए लगे हुए थे, लोगों को कई सड़कों पर थोड़ा आवाजाही में तकलीफ भी हुई, लेकिन जल्दी ही उन सड़कों को क्लियर भी कर दिया गया, जिसकी वजह से कुल मिलाकर बहुत ज़्यादा केओस वाली स्थिति शहर में नहीं बनी, हालांकि जाम लगते हुए नज़र आए। इसके साथ साथ राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की पत्नी सविता कोविंद और उनकी बेटी भी उनके साथ आए हुए थे, और सविता कोविंद ने आज चंडीगढ़ नगर वन में, जो कि लेक के सुखना लेक के साथ बना हुआ चंडीगढ़ नगर वन है, वहाँ पर जो बर्ड एवियरी बनाई गई है, एक अनूठी पक्षीशाला जिसे हम कहेंगे वो बनाई गई है, उसका उन्होंने उद्घाटन किया। इस पक्षीशाला के बारे में, बर्ड एवियरी के बारे में आपको बताते हैं, हालांकि आप जानते भी होंगे, पहले ये लगातार समाचारों में बनी हुई है, अखबारों में इसकी चर्चा होती रही है, यहाँ पर करीब 48 स्पेशीज़ के करीब 550 एग्जॉटिक बर्ड्स रखे गए हैं। खासियत इसकी ये रहेगी कि इन बर्ड्स को वहाँ पर घूमने फिरने के लिए और उड़ान भरने के लिए पर्याप्त स्थान दिया गया है, जितना उनका फ्लाइट पाथ रहता है उतनी वो उड़ान भर सकते हैं, करीब 4 एकड़ में ये बर्ड एवरी बनाई गई है, और जिसमें पक्षी जो है वो पूरी तरह से स्वतंत्र होंगे, अंदर घूमते रहेंगे, सिर्फ उसी जो एनक्लोजर है उसी में रहेंगे, लेकिन ये बर्ड्स जो है वो बहुत ही यूनिक किस्म के बर्ड्स हैं, जिन्हें चंडीगढ़ की क्लाइमेट के हिसाब से, चंडीगढ़ के जो पानी है या जो आबो हवा है उसके हिसाब से इनको सेलेक्ट किया गया है और उनको यहाँ पर लाया गया है, और इन बर्ड्स को देखने के लिए लोग पहुँचा करेंगे, बाकायदा टिकट वहाँ पर लगाया गया है, बच्चों के लिए 30 रुपये टिकट रहने वाला है, बड़ों के लिए 50 रुपये टिकट रहने वाला है। आज तो खैर वहाँ पर सिर्फ सविता कोविंद और चंडीगढ़ के कुछ अधिकारियों ने ही जाना था, सिर्फ एक उद्घाटन के समारोह को, एक रस्म को अदा करने के लिए, कल से यानी कि बुधवार से ये अवियरी जो है वो लोगों के लिए खोल दी जाएगी और लोग वहाँ पर आ जा सकेंगे, वहाँ पर इन पक्षियों के बारे में जान सकेंगे, इन पक्षियों को देखकर खुश हो सकेंगे, तो एक चंडीगढ़ में एक नया ये सैलानियों के लिए आकर्षण जो है वो कहा जा सकता है। आप जानते हैं कि जो लेक का एरिया है, जो सुखना झील का पूरा एरिया है, करीब 400 हेक्टेयर में, करीब 1000 हेक्टेयर में, माफ़ कीजिएगा, ये बना हुआ है, और ये जो बर्ड एवेरी भी जो है वो, इसका आइडिया भी जो है वो जुरोंग पार्क सिंगापुर में जो है उससे भी आइडिया लिया गया है, तो उस आइडिया के आधार पर ये बनी है, तो निश्चित तौर पर बड़ी संख्या में, सिंगापुर जैसा कि आप जानते हैं, बड़ी संख्या में लोग पहुँचते हैं इस तरह के आकर्षणों के लिए, और टूरिज़्म उनका प्रमुख बिजनेस है, तो उसी तरह से चंडीगढ़ में भी वो हालात बनेंगे ऐसा माना जा सकता है। और एक और ख़बर हम आपको अब देते हैं पंजाब से, ये लुधियाना की खबर है, श्रोमणी अकाली दल के एमएलए हैं अमरीक सिंह, माफ कीजिए, मनप्रीत सिंह अयाली के आज प्रिमाइसिस के ऊपर इनकम टैक्स ने रेड, अमरीक सिंह अयाली काफ़ी
जाने माने नाम है, श्रोमणी अकाली दल के साथ वरिष्ठ नेता हैं और लुधियाना से MLA भी हैं और उन पे ये रेड हुई है। उसके अलावा बहुत सारे कॉलोनाइजर्स और बिल्डर्स की प्रॉपर्टीज़ के ऊपर भी रेड हुई है। अगर अयाली की बात करें तो उनका मुल्लापुर में ऑफिस है, वहाँ पर रेड हुई है। अयाली गांव में जो उनका घर है वहाँ पर भी रेड हुई है और भूंदड़ी गांव में उनका फार्म हाउस है वहाँ पर भी ये रेड हुई है। करीब 100 लोग इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के और इस काम में लगे हुए हैं। इसके साथ साथ पैरामिलिट्री फोर्सेज की मदद भी ली गई है और सुबह से ये तड़के ये रेड शुरू हो गई थी और अब जब हम आपके साथ बातचीत कर रहे हैं उस वक्त तक ये रेड पूरी नहीं हुई थी। किस लिए ये रेड की गई है, हालांकि श्रोमणी अकाली दल निश्चित तौर से इसको राजनीति से प्रेरित बता रहा है अमरीक सिंह अयाली जी से। राय सिटी का खबरनामा बस आज इतना ही, ये कुछ खबरें हमने आप तक पहुंचानी थी। हम रोज़ाना आपसे मिलते हैं, रोज़ाना आपसे हम चंडीगढ़ और आसपास के इलाकों की खबरें आपके साथ शेयर करते हैं। ये सिलसिला हमारा जारी रहेगा, आप देखते रहिए हमारा कार्यक्रम ट्राइ सिटी का खबरनामा सिर्फ अर्थ प्रकाश TV पर, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, साथ ही बेल आइकन दबाइए ताकि आपको नोटिफिकेशंस भी मिलती रहे। नमस्कार। ताज़ा अपडेट्स व बड़ी खबरों के लिए सब्सक्राइब करें अर्थ प्रकाश TV और बेल आइकन दबाना ना भूलें।